आयरन बाजते हुए या पुलिस जेड़ी जो डालों में बैठी हुई देखते हैं, पुलिस जो है लोग गाली देते हैं। मैं सबसे पहले वजीर खजाना को, उनकी टीम को और जो मेरे कुलीग्स MNA हैं यहाँ पे, उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नहायत ही नामसाइद हालात में डार साहब ने जिस तरह बजट पेश किया है, मेरे ख्याल इससे पहले कोई ऐसे हालात कभी भी नहीं थे। जितने हालात इस वक्त मुश्किल थे और नामसाइद थे, मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ा सब्र आजमा जो है वक्त गुजारा है। इंशाल्लाह ताला IMF वाला हम भी जो है वो क्रॉस हो जाएगा और हम एक नए दौर में हमारा जो है उसका इब्तिदा होगा, जिसमें मआशी स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में वापस आएगी और जो 4-5 साल जो तबाही रही है इस मुल्क के अंदर, जो इम्पोज की गई इस मुल्क के ऊपर, उसका अजाला हो सकेगा। जनाब वाला, मैं एक तो डार साहब ने क्लैरिफाई कर दिया है कि हज पे जितने लोग गए हैं वो अपने खर्चे पे गए हैं, उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई सिवाय इसके कि वो आखिरी फ्लाइट जो जा चुकी थी उसके बाद एक स्पेशल फ्लाइट गई है ताकि वो बजट की जो तमाम तर कार्रवाई थी वो पूरी करके वहाँ चले जाएँ। उनको हुकूमत की तरफ से कोई फैसिलिटी जो है ना जो है वो आम मुसाफरों की तरह जो है वहाँ पे गए हैं यही है कि जहाज़ के ऊपर, और ये इम्प्रेशन सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जो दिया जा रहा है कि उनको कोई स्पेशल फैसिलिटी दी गई है या अखराजात जो है हुकूमत बेयर कर रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है और डार साहब ने उसकी तरदीद कर दी है। और इस फ्लाइट के अंदर आम मुसाफिर भी हैं, उसमें सिर्फ MNA नहीं है, डार साहब ने मुझे लिख के बताया कि उसमें आम मुसाफिर भी हैं। तो ये जो हमारे मुतल्लिक सियासतदानों के मुतल्लिक जो है जो एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है, मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि हमारी तनख्वाह जो है वो फेडरल सेक्रेटरी से भी कम है, 1,68,000 रुपये तनख्वाह है MNA की। तो ये जो इम्प्रेशन है ये गलत है और इसकी तरदीद जो है डार साहब ने भी कर दी है। मैं एक और जनाब चीज़ जो है वो आज से चंद रोज कबल जो है मैं सेनेट के अराकीन का, उनके चेयरमैन का नहायत इत्राम करता हूँ, मैं दिल से इत्राम करता हूँ। मैंने 3 साल जो है उस ऐवान का जो है मेंबर भी रहा, 1991 से लेके 1993 में मैंने अपनी पार्लियामेंट्री जिंदगी का वहाँ से आगाज़ किया, लेकिन अगले दिन जो वहाँ पे प्रिविलेज का सेनेट चेयरमैन सबका आने वाले मौजूदा उनकी जो बिल पास हुआ है, मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारा ऐवान जो है उस बिल को जो है सपोर्ट ना करें, बिल्कुल सपोर्ट ना करें। जिन हालात में पाकिस्तान की आवाम इस वक्त गुजर रही है, जिस तकलीफ दे ना सिर्फ आवाम बल्कि हमारे कारोबारी हजरात गुजर रहे हैं, हमारी मुश्किलात जो हैं वो कुआ हमालिया से वक्त होंगे, हमारे माशी हालात जो हैं वो उनमें कुछ स्टेबिलिटी आएगी, हम अफोर्ड कर सकेंगे, तो ये तनख्वाहें भी ज़्यादा मिल सकती हैं, ये अलाउंसेस भी ज़्यादा मिल सकते हैं, फैसिलिटीज भी ज़्यादा मिल सकती हैं, लेकिन जो है ये ताज हयात 12-12 बंदे जहाज़ और हेलीकॉप्टर और गाड़ियाँ, मैं समझता हूँ सर एक गरीब मुल्क के लिए जो इस वक्त 10 नगर है माशी अदारों का, वो अपने लिए अनाउंस करें तो मैं समझता हूँ कम अज़ कम मैं इसके लिए कोई तौजीह नहीं पेश कर सकता, इसको डिफेंड नहीं कर सकता, कथित तौर पे डिफेंड नहीं कर सकता। ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता था, बसीयत एक मेंबर नेशनल असेंबली, बसीयत पार्ट ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट, कि ये वहाँ पे जो कुछ हुआ है उसकी उसकी जो कम अज़ कम ये हाउस सपोर्ट ना करें। जो उन्होंने किया है हम उस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहे, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, कानून और आईन के मुताबिक नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को उससे डिस्टेंस जरूर कर सकते हैं, अपना फासला जरूर जो है उस चीज से बढ़ा सकते हैं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त थी। मैं एक और दरख्वास्त करना चाहूंगा नहायत अदब के साथ, जनाबे वाला ये हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ना, ये डाले आगे पीछे जो होते हैं, पुलिस आगे पीछे,
जब इख्तदार चला जाता है फिर पुलिस आगे पीछे होती है, आगे नहीं होती। ये इख्तदार में पुलिस आगे होती है। मुझसे पूछे, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये चीजें जो है प्रोटोकॉल ना इस्तेमाल करें। चार पांच ओहदे हैं जनाब वाला, आप सिंबल है पार्लियामेंट के, आपके ओहदे का एक प्रोटोकॉल है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान का है, प्राइम मिनिस्टर का है, जस्टिफाइड है। लेकिन हमारे या चेयरमैन सेनेट का जो प्रोटोकॉल है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। ये आईनी ओहदे हैं, इनका प्रोटोकॉल जो है वो किसी ना किसी तरह उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ पे मैं लोगों की दिलजारी नहीं करना चाहता, ये ना 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 करें। ये लोग जब देखते हैं आगे पीछे सायरन बजते हुए या पुलिस जो डालों में बैठी हुई देखते हैं, पुलिस जो है, लोग गाली देते हैं, लोग आवाम गाली देते हैं, ये हमें एहसास होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि गाड़ियां जो है स्पीड के साथ ना सिर्फ सड़क पे चलाते हैं, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी चलाते हैं डाले। ये मैं तो पूछ ले मेंबर से। मैं पैदल वहां पे वॉक कर रहा था, कोई इधर से डाला गुजरा कर मैं छाल मार के पड़ा होना पड़ता है। सर ये आप स्टार्टे शर्कते जो है अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी हुई है, पाकिस्तान की आवाम ने इतनी इज्जत दी हुई है, हमारी आने वाली नस्लें जो है ये कर्ज नहीं उतार सकती या ये हरकतें ना करें। जो हमारे आईनी होते हैं वो जरूर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें, जरूर सिक्योरिटी इस्तेमाल करें। अगर हमें को सिक्योरिटी की जरूरत है तो ये रिस्क हमने लिया हुआ है, अगर नहीं वारे में तो छोड़ दें आराम से। आम MNA जो है, बाकी जितने भाई बहन हमारे हैं उनकी तरह जिंदगी गुजारें। जब ओहदे आते हैं तो इस तरह ना करें सर। ये हमारे, मैं आपको बिल्कुल सही कहता हूं कि जब लोग गुजरते हैं तो आवाम जो है, हम लोग गुजरते हैं इस प्रोटोकॉल के साथ, तो आवाम गाली देती है। हमें अपनी बिरादरी का, अपने ओहदे का, अपने अदारे का खुद इज्जत करानी है। जब हम अपना ये बिहेवियर रखेंगे कि हम लोगों की गुर्बत का, लोगों के फाकों का, लोगों की मुश्किलात का इस तरह जो है तमस्कर उड़ाएं, इस तरह उनका मजाक उड़ाएं, अपनी फैसिलिटीज जो है उनको उनको उनकी नुमाइश करके, और वो फैसिलिटी जिसके हम एंटाइटल भी नहीं है, वी आर नॉट एंटाइटल टू दैट। एक पुलिस वाला जो है आपके साथ गाड़ी में बैठ सकता है, बाकी सारी चीजें जो है ये फ्रिवलस हैं, गैर जरूरी हैं। अगर आपको जान का खौफ है तो छोड़ दें ये बात, ना करें, ये पंगा ना ले। सॉरी, आम MNA की तरह जिंदगी गुजारे, बाकी हमारे भाई बहन जो है गुजार रहे हैं ना। अगर किसी को सिक्योरिटी की जरूरत है वो प्राइवेट सिक्योरिटी रखते हैं, जिन लोगों की कोई खुदा न खास्ता कोई दुश्मनी वगैरह है। तो मैं ये सेनेट के बिल के हवाले से बात कर रहा था, और ये भी मेरे जेहन में थी ये बात, ये ऑब्जर्व करना चाहिए। इससे हमें हमारी इज्जत में अजाफा होगा, हमारी तकरीम में अजाफा होगा। हम अपने वोटरों के साथ एक रिश्ता या एक बॉन्ड जो है उसको मजबूत करेंगे। वमा अलैना। थैंक यू।